तो चलो दोस्तों चलते हैं, अभी हम निकल रहे हैं सौरभ वन विहार के लिए। और मेरा माइक ख़राब हो चुका है, आप लोगों को जैसे पता ही होगा, तो कोशिश कर रहा हूँ जो मतलब कहा वो आपको सुनने में आए। तो अभी हम फ़िलहाल निकल चुके हैं और मैंने भैया देखो आगे हैं खड़े हुए। यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है गाड़ी चलाना, थोड़ी सी हल्की सी ढलान है, कल तो बारिश थी तो स्लिप हो गई थी पीछे से गाड़ी। चलो चढ़ चुके हैं ऊपर की तरफ और पता धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, ठंड अब मतलब कम लग रही है, ठंड यहाँ तो माइनस में जाता है रात को टेम्परेचर। तो दोस्तों बने रहिएगा चरण के माध्यम से और वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो ओए होए मज़ा आ जाता सुबह सुबह गाड़ी बैठ के, क्या बात है। चलो 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 ओए होए भाई साहब रोड देखो, रोड क्या मज़ा आ रहा है रोड को देख के, सच में मज़ा ही आ जाता है। मतलब गाड़ी अपने आप भाग रही है ये समझ लो आप। नज़ारे ओए होए नज़ारे नज़ारे, सामने की वादियाँ होए, ये साइड की खाई, क्या बात है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, सच में बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम। तो चलो चलते रहो। अरे वाह यार क्या 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 सीन है भाई, ओए होए ओ हो क्या मोड़ है, मज़ा आया था इस मोड़ पे तो मुझे, खासकर सबसे ज़्यादा रिस्की होता लेकिन मुझे मज़ा ही बहुत आता है इस रोड पे। ओए होए ये मुड़े क्या बात है, देखिए सामने नज़ारा देखिए, साइड का देखिए, साइड में मतलब खाई है काफ़ी अच्छी खासी, जाऊंगा नहीं क्योंकि रॉन्ग साइड हो जाएगा, लेकिन सच में जय माता दी, ओ शनि महाराज का मंदिर है, जय शनि देव, जय हो ओए होए भाई साहब देखो नज़ारे देखो, इसे यही है जन्नत, देखो जन्नत यही है, मतलब क्या कहें अब, देखो खूबसूरती देखो, ये हसीं वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। ओए होए गाड़ी गाड़ी साइड से निकलती है ना, यहाँ जान निकल जाती है, और वो खासकर बड़ी गाड़ी, देखो जो गाड़ी अपना भाग रही है बाइक हमारी, और ये देखो अपने आप ही मतलब यहाँ पे अगर आपसे क्या कह रहा था, मैं तो भूल भी जाते हैं तो यार बोलते बोलते, हाँ अगर पहाड़ आपसे कुछ लेता है तो पहाड़ आपको कुछ देता भी है, मतलब आप ऊपर चढ़ोगे तो आपका तेल अच्छा खासा खर्च होगा, लेकिन जब नीचे उतरोगे तो अपनी गाड़ी को आप ऑफ कर दीजिए इंजन को और चलने दीजिए, गाड़ी वैसे 70 75 80 90 की स्पीड पकड़ लेती है बिना स्टार्ट करे। ये देखिए दोस्तों, ये है सौरभ वन विहार पालमपुर, यहाँ पे बहुत तगड़ी एक बार बाढ़ आई थी तो सब कुछ तहस नहस हो गया था, देख सकते हैं वहाँ से ही बाढ़ आई थी उसी तरफ से पहाड़ों के बीच में से। हम इस पुल पे हैं, ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये देखिए हम ऊपर से आए हैं उस तरफ से, एक छोटा पुल भी है और आगे एक तार है जिससे मतलब जब ये पुल नहीं हुआ करते थे तो शायद उस तार से जाते थे, अगर आपको दिख रहा हो मैं दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये देखिए येलो कलर का तार है, ये खंबा खड़ा हुआ है येलो कलर का, ये वही है। मतलब खूबसूरती देखिए यहाँ की, ये देखिए क्या खूबसूरती है, मतलब मज़ा आ गया देख के इसको तो। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि फ्यूचर में आपको किसी मेरी नई वीडियो के अपलोड का सबसे पहले मिला मिले। तो दोस्तों सपोर्ट की जरूरत है आपकी, थोड़ा और अच्छा करके दिखाएंगे, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो ये बुलेट वाले आपका सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा और अच्छा करके दिखाएंगे। फिलहाल तो मेरा माइक ख़राब हो गया था तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जैसा कर सकूँ, तो राइड को मैंने इतना कम कर दिया है, स्किप कर दिया राइड को बीच में जब मैं बाइक चला रहा हूँ, और ये मैं रुक रुक के मैं बातें कर रहा हूँ यही समझाने के लिए। तो दोस्तों शायद नेक्स्ट वीडियो में अच्छा हो, लेकिन आपके सपोर्ट के बगैर ये सब नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट करो लाइक करो बस।
यही कहना था कि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो शायद और भी अच्छी अच्छी जगह पे जाऊँ, क्योंकि बाइक तो मैंने इसी पर्पज़ पे, अपनी डोमिनर मैंने परचेज़ करी थी, ये देखिए बाइक है, तो इसी पर्पज़ पे मैंने परचेज़ करी थी डोमिनर। तो दोस्तों तो दोस्तों चलते हैं वापस अब घर की तरफ, जितना घूम सकते थे घूम लिए। तो दोस्तों जो दिल की बात थी मैंने आपसे कह दी, क्योंकि इतनी दूर आना, मतलब एक हमारा शौक है, मान लो मैं बाइकिंग का शौक जो रखते हैं वही आते हैं और आगे भी करेंगे, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सपोर्ट मिलता है ना आप लोगों का, व्यूअर्स का सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग ही हैं बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं तो कर स्टार्टिंग है मेरी, तो मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ और कोई वो भी नहीं है, बस जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत भी आपका अगर सपोर्ट मिल जाता है, या पैसे तो नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, वीडियो देखने के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो यार क्या कर सकते हैं, जो दिल में थी मैंने आपको बता दिया। ये यार बुलेट वाला बहुत परेशान कर रहा है बहुत देर से, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि बता ही दिया मेरा माइक ख़राब हो चुका है। अब अच्छा हुआ है ऐसे टाइम पे जैसे बुलेट वाला भगा रहा है कि वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई, नहीं तो ये सब कुछ बेकार हो जाता। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापसी बैजनाथ की तरफ। दोस्तों आ चुके हैं हम अपने घर में, और ये देखिए हम घुस चुके हैं कंबल में, क्योंकि ये ठंड है यहाँ बहुत ज़्यादा, और 5 मना कितना बज रहा है, हाँ 5:30 बजे का टाइम है और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो जो दोस्तों जितना कोशिश कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, और इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी दिखेगा थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हो रहे हैं, क्योंकि एकदम से कोई कुछ नहीं सीखता। तो दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, छोटा सा हूँ, ऊपर ले आना आपका काम है। हाँ सब्सक्राइब के दोस्तों पैसे नहीं लगते, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि फ्यूचर में मेरी किसी भी नई वीडियो के अपलोडिंग का आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो आज के लिए इतना ही।